लड़का और एक लड़की में जो प्यार होता है ना, उससे ज्यादा दो लड़की में प्यार अच्छा होता है। उसकी एक गर्ल और एक गर्ल कैसे कपल हो सकता है, फिजिकली इंटीमेट कैसे हो गए, मतलब फिजिकली जो नीडेड है वो कैसे फुलफिल कर पाओगे, सामने जाके हम लोग शादी भी करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं और टाइटल थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा आज किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है। फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेज, कमेंट, यूट्यूब, मतलब सारे जगह इसी कमेंट से और मैसेज से भरे रहते हैं कि आप दोनों ही क्या गर्ल हो और आप दोनों क्या कपल हो, आप लोग एक दूसरे के साथ क्या, मतलब दोनों गर्ल्स कैसे, हाँ दोनों गर्ल्स कैसे कपल हो सकता है और आप लोगों का फ्यूचर क्या है। बहुत सारे मतलब हम दोनों को रिलेशन को लेकर, मतलब हम दोनों नहीं, बहुत सारे जो भी ऐसे कपल देखते हैं तो सभी के पास ही शायद ये सब क्वेश्चन जाता है, क्योंकि तो, हम लोगों को देखने में ही सबसे पहले सभी के मन में यही क्वेश्चन आता है कि एक गर्ल और एक गर्ल कैसे कपल हो सकता है और उन लोगों का फ्यूचर क्या है। हाँ, तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं और फेसबुक में ज़्यादा करते हैं। हम लोगों का जो फेसबुक में है उधर जो बॉयज लोग हैं सब लोग पूछते हैं, इवन लड़की लोग भी पूछते हैं आप दोनों क्या कपल हो, आप दोनों कपल हो, तो इसलिए आप लड़की हो क्या, बेस्ट फ्रेंड हो क्या, बहन हो क्या, बहुत सारे बात बोलते हैं। तो सब क्वेश्चन मिला के आज हम सब क्वेश्चन का एक ही आंसर देंगे। हाँ, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो वही इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज उसका जवाब दे ही देते हैं। तो हाँ, सभी के लिए हम लोग एक बात बताते हैं कि हाँ हम पहले तो हम लोग बोलते हैं हम दोनों ही लड़की है और हम दोनों ही एक कपल है, वो भी लेस्बियन कपल, और एक दूसरे से हम बहुत प्यार करते हैं और शायद सामने जाके हम लोग शादी भी करें और शायद नहीं, हम लोगों का इच्छा है, लेकिन जब तक हम लोग लाइफ में कुछ आगे नहीं पहुँच जाते तो हम लोग वो अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि तो हम लोग थोड़ा स्टैंड हो जाए, मतलब फ्यूचर में थोड़ा कुछ कर ले, स्टेबल हो जाए, फिर हम लोग शादी करेंगे। तो वो टॉपिक बाद में, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक लड़का जब शादी करता है या प्यार करता है तो तभी क्या वो जो लड़की है लड़की से पूछ के बोल लेते हैं कि तुम क्या माँ बन सकती हो, तुम क्या जो बेबी है वो कॉन्सीव कर सकते हो, ये सब बात के बोल के प्यार और शादी होता है। तब क्या आप लोग जज करके शादी करते हो लड़की को या लड़के को कि उसके आगे दोनों शादी करके वो दोनों बच्चा पैदा कर सकता है, तो वही बोला जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हम लोगों को बच्चा कैसे होगा, मैसेज भी करते हैं हम दोनों को बच्चा कैसे होगा, इन फ्यूचर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि तब आप लोग क्यों जांच करके लेते हो, नहीं तो तुम नहीं हो ना, तो ऐसे भी तो हो सकता है, मैं बोल रही हूँ ऐसे भी तो हो सकता है कि आप लोग शादी किया या प्यार किया उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो तब आप लोग क्या करोगे, तब वो दोनों एक साथ ही रहता है ना, मतलब दोनों के बीच प्यार रहता है, सब कुछ रहता है, मतलब ठीक है आगे जाके कुछ बच्चा अगर चाहिए उनको, अगर तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग बहुत है, आप लोग एडॉप्ट भी कर सकते हो, तो ये अच्छा होता है ना, सेलिब्रिटी भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो बात बाद में, तो इसमें हम लोग दो प्यार कर रहे हैं तो इसमें पहले ऐसे क्यों होता है बोलना जाता है कि आप लोग का फ्यूचर क्या है, आप और बच्चा कैसे पैदा करोगे, और आप दोनों ही गर्ल्स हो, आप लोग फिजिकली इंटीमेट कैसे हो गए, मतलब फिजिकली जो नीडेड है वो कैसे फुलफिल कर पाओगे, ऐसे बहुत सारे चीज सभी का मन में आता है। लेकिन उन लोगों के लिए बता देता हूँ, देखिए आप अगर कुछ चीज़ प्यार करते हो, मतलब अगर आपको एक फूल प्यारा लगा तो आप उसको अपने पास रख के उसको बहुत अच्छे से केयर करके जो रखते हो ना, वो भी प्यार होता है। प्यार करने के लिए मतलब ऐसे कोई फिजिकली नीडेड या फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब हम एक दूसरे के पास रहे, यही हम लोगों का बहुत, यही हम लोगों के लिए बहुत कुछ है कि हम उसको प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों एक साथ हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत कुछ है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो ये उल्टा सीधा कॉमेंट या एसएमएस करते हो ये करना बंद कर दीजिए और आप लोग थोड़ी दिमाग से सोचिए, हमारा जो इंडिया है बहुत आगे जा चुका है और आप लोग का जो माइंड है बहुत पीछे ही रह गया है, तो अपना माइंड जो है, अपना जो सोच है थोड़ा आगे बढ़ाइए और कुछ अच्छा सोचिए और अच्छा
क्या बोलते हैं, कुछ बोलिए, क्योंकि आप जो बोलते हो नॉनसेंस बातें हैं, उसका बात का कोई क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं, हाँ मीनिंग या वैल्यू नहीं होता है। तो यही बोलना चाहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप लोग जो आगे जाओगे तो आप लोगों का, अगर लड़का हो तो लड़का हो तो बहुत कुछ कर लेता, और लड़की है तो आगे जाके आप लोग कैसे संभाल पाओगे एक दूसरे को। हाँ, और एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उसके साथ हो, मतलब दोनों लड़की हो, अगर कोई एक दूसरे को छोड़कर बाद में, मतलब फ्यूचर में एक दो साल शायद आपके पास रहेंगे या फिर 3-4 साल ही रह लिया, फिर उसके बाद अगर वो चला गया तो आपका क्या होगा? आप तो बहुत ही सेक्रीफाइस करके फिर अभी इसके साथ रह रहे हो। लेकिन उन लोगों के लिए बता देते, अगर मैं एक लड़का से प्यार करता और ये भी और एक लड़का से प्यार करता तो वो ऐसा नहीं करता, ऐसे तो कोई भी बात नहीं है, वो भी तो 3-4 साल बाद छोड़ के जा ही सकते हैं। क्योंकि अभी अब हम लोग देखते हैं चारों तरफ जो शादी होता है, ज्यादा टाइप शादी कुछ 2-3 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है या उसका दोनों का सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो तभी वो लोग क्या करते हैं, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं। तो सिर्फ एक लड़की और लड़की में जो रिलेशन है, सिर्फ उसमें क्यों उंगली उठता है, सिर्फ उसमें क्यों और बोला जाता है? और मैं एक बात बता देते हूँ, एक लड़का और एक लड़की में जो प्यार होता है ना, उससे ज्यादा दो लड़की में प्यार अच्छा होता है, उससे भी ज्यादा गहरा लव होता है दो लड़की में। ये तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लड़का लड़की है जो प्यार करते हैं, वो अच्छे मतलब क्या होता है, उन लोगों का होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं लड़के से प्यार करूँ या लड़की से प्यार करूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है। और हम लोग खुश है एक दूसरे के साथ, हम लोग बहुत खुश है, बहुत ही अच्छे हैं, तो हम लोगों का कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और हम लोग एक दूसरे से बहुत ही खुश है। जितना हम लोग कमा रहे हैं, जितना हो रहा है, हम लोग उसमें खुश है। आगे जाए के भगवान की अगर कृपा होगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो बोलते हो ना, ये बोलना आप लोग तो वैसे बोल देती हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग सोच रहे आप लोग ऐसे बोलते हो, क्यों बोलते हो? इसलिए ये वीडियो बनाया, आप सबका मुंह तो हम बंद नहीं कर सकते, तो फिर भी हम लोग ये बोलना चाहेंगे, आप सभी लोग हमारा वीडियो देखेंगे, शायद देखेंगे, क्योंकि देख के आप लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट या मैसेज करते हो, बहुत सारे वैसे हम लोग को मैसेज मिलता है, फेसबुक में ज़्यादा मिलता है। तो सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप क्या बोलते हैं, लड़की लड़का से प्यार करे या लड़की प्यार करे, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखने चाहिए कि आप वो दोनों खुश या नहीं, वो आपस का उसका चॉइस है। तो और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये भी आपका दिमाग में आता है कि अगर ये एक लड़के से शादी कर लेता और फिर मैं एक लड़के से शादी कर लेता तो मतलब हमारा सिक्योर रहता सब कुछ, वो लड़का हमको सब कुछ एफोर्ट्स करता और हम लोग का कोई चिंता नहीं होता कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या मतलब एक दूसरे का क्या बोलता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन हम दोनों ही लड़की है तो कैसे एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ये आपके मन में, बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन आता है। तो मैं इसका भी बोल देता हूँ कि हम दोनों अभी एक साथ है और हम दोनों ही मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही बहुत काम कर रहे हैं ताकि हम लोग एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। तो अभी हम लोग एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके तो और अभी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं एक दूसरे का ही। तो शायद आपको पता चल गया ही होगा कि एक लड़की भी ये कर सकता है कि एक लड़की का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ये ऐसा नहीं है कि लड़की हो इसलिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हो, तुम काम नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। मेहनत करके हम लोग आगे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे ही हम लोग दोनों बहुत खुश हैं, जैसे भी है थोड़ा बहुत, जैसे जितना ही हो रहा है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। यही सबसे बात है कि आप लड़के के साथ रहो, लड़की के साथ रहो, ऐसा कोई बात नहीं। खुश रहो, देखो आप एक लड़की या लड़का लड़का या लड़की लड़की से अपना चॉइस है, लेकिन वो दोनों खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। और जो बोलता है ना समाज क्या कहेंगे, मैं बोल रही हूँ अगर आप एक लोग अगर अपना जो सोच है वो अगर चेंज करोगे तो समाज भी चेंज होगा, आहिस्ता आहिस्ता समाज भी चेंज होगा। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, कृपया आपका सोच, मतलब जो भी ऐसे सोच सोचते हो बुरा मत मानना, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का मन में जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट था वो क्लियर कर दें। तो हमने हमारे तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश किया आप लोगों को,
आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। और कुछ भैया लोग जो बोलते हैं जो अगर आप ही लड़की लोग लड़के तो हम लोगों को कैसे लड़की मिलेगा, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग भी क्या बोलते हैं उसको, पहले लड़की का रिस्पेक्ट करो और फिर उसको पटाने की कोशिश करो तो फिर पट जाएगा लड़की, ठीक है? ऐसे और इंतजार करो, जरूर इंतजार करो। ऐसे कोई बात नहीं है कि हम लोग प्यार कर रहे हैं या हम लोग कपल है इसलिए आप लोग को लड़की लोग नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यही था हम लोगों का आज का, जो हम लोग को बताना था वही बता दिया हम लोगों ने। तो यही मैसेज हम लोगों ने दिया आप सभी को, और आप सभी का मन में जो डाउट था वो शायद हम लोग क्लियर कर पाए। फिर भी कुछ कुछ लोग हैं जो उसको अनशन बोलना ही है, तो वो लोग ऐसे ही यूट्यूब में हगने के लिए आ जाएगा, तो वो लोग हगते रहे तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन हम लोग को जो भी आप लोग प्यार दे रहे हैं ये बहुत काफी है, और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो और हम लोग भी एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो लेके। तो आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।